अहमदाबाद में भी आज बारिश, भारी बारिश का कहर दिखा। आप देख सकते हैं शाम 6 बजे से आज अहमदाबाद में बारिश चालू हुई। पहले से ऐलान था कि अहमदाबाद में आज भारी बारिश हो सकती है और आप देखिए उसका परिणाम क्या है। 2 घंटे की बारिश ने पूरे शहर का जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त करके रख दिया है। यहाँ पे आप देखिए मेन रोड तक पे पानी जो है वो घुटनों तक आ गया है और ट्रैफिक जो है वो पूरी तरह जाम है। लोगों को अपने घर पहुँचने में काफ़ी तकलीफें हो रही हैं। क्या हुआ, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं यही जजेस बंगलो से ही आ रही हूँ। बहुत पानी है यहाँ पे। अच्छा, क्या तकलीफ हो रही है? जाने में तकलीफ हो रही, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल रहा है। जी हाँ, तो ये आपको लेके जा रहे हैं भाई? हाँ ये। अच्छा, तो आप देख सकते हैं लोगों को अपने घर पहुंचने में देरी हो रही है। 6 बजे के आसपास से बारिश शुरू हुई और ऑफिस टाइम होता है छूटने का, तो आप अंदाजा लगाइए कि सैटरडे के बावजूद यहाँ पे कितना ट्रैफिक है और जगह जगह पे ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक हो रहा है। यहाँ पे मेन रोड पे भी घुटनों तक पानी आ गया, लेकिन अगर हम अंदर जाएंगे जो वायलेंस है वो पूरी तरह चौक हो चुकी है। यहाँ मैं बोड़कदेव इलाके में हूँ, अहमदाबाद का सबसे पॉश इलाका है, सबसे बेहतर व्यवस्थाओं वाला इलाका है और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं। अगर आप अंदर जाएंगे, यहाँ देखिए इस बायलेन में जब आप जाएंगे अतिथि डाइनिंग हॉल वाली, आप देखिए पानी जो है उसका स्तर जो है वो अंदर जाते जाते बढ़ना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। और आगे आप देखिए व्हीकल्स का जाना भी अब इस स्टेज के बाद बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा। देखिए किस मुश्किल से व्हीकल्स को यहाँ से पास होना पड़ रहा है। कई व्हीकल आगे हम देख रहे हैं रास्ते में बंद भी हो गए हैं। यहाँ देखिए टायर जो है इस टैंकर के वो पूरे आधे से ज़्यादा डूब गए हैं यहाँ पानी में। और ये रिक्शा देखिए आ रही है और देखिए रिक्शा के अंदर तक पूरा पानी चला गया। किस तरह से ये निकाल के ला रहा होगा, आप देखिए यहाँ पे पूरा अंदर तक पानी चला गया है। और यहाँ आप देखिए पूरी की पूरी ये जो लेन है अंदर तक करीब आधा किलोमीटर से ज़्यादा लंबी ये लेन है और पूरी की पूरी ये जो बाई लेन है ये पानी से भरी हुई है लबालब। यहाँ पे आप देखिए जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं वो गाड़ियाँ भी देखिए पानी में उनके ऊपर भी पानी जाता जा रहा है, वो पानी में डूबती जा रही हैं। सामने अगर आप देखें गाड़ी जो है वो बंद पड़ गई है, इस पानी में से निकल नहीं पाई, लोग अपने व्हीकल को खींच के ले जा रहे हैं। लोगों को अपने घर पहुंचना है और उसमें उन्हें काफ़ी तकलीफ़ें भी आ रही हैं। पानी आप देखिए व्हीकल जो है वो पानी में अब डूबने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे साइड में अगर आप देखें दुकानों के अंदर बस अब पानी जाने का, आप देखिए बिल्कुल उस दहलीज पे पहुंच चुका है दुकानों की पानी। और यहाँ अगर आगे देखें सोसाइटी के अंदर तक पानी घुस गया है। भयंकर बारिश हुई है पिछले दो घंटों में और अभी भी जारी है लगातार। और कमोबेश अहमदाबाद के हर इलाके का इस वक्त यही हाल है, लोग तकलीफ़ में हैं, घर पहुंचना चाहते हैं। जी क्या तकलीफ हो रही है आपको, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं अभी थलते से आ रहा हूँ। हाँ, तो हर जगह इतना ही पानी है? हर जगह तो नहीं है, लेकिन इस लाइन में अभी है बहुत पानी। जी, तो बाइक खराब हो गई है? बाइक खराब तो नहीं हुआ है, लेकिन चलाऊंगा तो खराब हो जाएगा। अच्छा, इसलिए खींच के ले जा रहे हैं? खींच के लेके। बाकी लोग भी ऐसे ही हम देख रहे हैं बाइक खींच के अपने ले जा रहे हैं। क्या हुआ, खराब हो गया? बंद हो गया। अच्छा, क्यों, क्या पानी बहुत है? पानी बहुत है। यहाँ आप देखिए जब कार निकलने की कोशिश करती है तो किस प्रकार से पानी की वेव्स जो है वो उछलती हैं। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो सोसाइटी के अंदर, ये देखिए इस सोसाइटी के अंदर पानी आ गया है, रोड का जो पानी है। यहाँ आप देखिए बाइक उलट गई है पानी की वजह से, ये गाड़ी जो है ये यहाँ बंद पड़ी हुई है यहाँ पे, और ये बाइक भी देखिए उलट गई है और पानी जो है वो सोसाइटी के अंदर घुस गया है। देखिए सोसाइटी के अंदर जो व्हीकल्स पड़े हुए हैं वो भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पानी में आधे आधे डूब गए हैं। यहाँ देखिए सोसाइटी के अंदर तक पानी आ गया। यहाँ अगर हम आपको दिखाएं, आप देखिए इस सोसाइटी का ये नज़ारा बोड़कदेव की, जो बायलेन का पूरा पानी है वो सोसाइटी के अंदर तक आ गया। यहाँ आप देखिए जो व्हीकल हैं सोसाइटी के अंदर पड़े हुए व्हीकल के थोड़ा सा ऊंचाई पे है, उसके बावजूद यहाँ पे ये व्हीकल जो हैं ये डूबने शुरू हो गए हैं। और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ पूरा ये जो पार्किंग लॉट है सोसाइटी का, उसके अंदर आप देखिए ये व्हीकल जो हैं, यहाँ क्लोज आके हम दिखाएंगे थोड़ा, ये व्हीकल जो हैं आप देखिए डूब गए हैं। यहाँ पे सोसाइटी के अंदर तक पानी आ गया, यानी सोचे कितना भयंकर सीन क्रिएट हो रहा है। और ये देखिए ये जो सोसाइटी का पॉर्च है
इसके अंदर पूरा पानी में आ गया, और पीछे का भी जो पूरा भाग है वो भी पानी में डूब गया। ये हाई राइज बिल्डिंग है, लेकिन इसका आप देखिए जो ग्राउंड फ्लोर का नज़ारा, एक पूरा अगर हम वाइड व्यू दिखाएं यहाँ पे, तो सारी जो गाड़ियाँ यहाँ पार्किंग में पड़ी है, अगर थोड़ा सा पानी और बढ़ा तो ये गाड़ियाँ भी डूबनी शुरू हो जाएंगी, इसके अंदर पानी जाना शुरू हो जाएगा। यहाँ आप देखिए पूरी सोसाइटी के अंदर पानी आ गया, और अभी 2 घंटे से बरसात चल रही है अहमदाबाद में, और अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में जहाँ हम खड़े हैं बोड़कदेव में, यहाँ करीब 6 इंच के आसपास से बारिश हुई है, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हुई हो, क्योंकि अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं आए हैं, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ है कि पूरा का पूरा जो ये इलाका है वो पानी में डूब गया है। और सिर्फ यही इलाका नहीं, अहमदाबाद में कई और ऐसे इलाके हैं, क्योंकि पूरे शहर में बारिश हो रही है, और सबसे ज़्यादा बारिश नॉर्थ वेस्ट जोन और साउथ वेस्ट जोन में हुई है। जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ ये नॉर्थ वेस्ट जोन है, और साउथ वेस्ट जोन में बताया जा रहा है इससे भी ज़्यादा बारिश हुई है। और इस वक्त जो परिस्थिति है वहाँ पे अभी पहुँच पाना थोड़ा मुश्किल होगा, और देखना है कि बारिश रुकने के बाद ये पानी किस रफ्तार से उतरता है, उस पर सब कुछ तय हो पाएगा। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया TV अहमदाबाद।